माननीय मोदी जी ने अभी विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना निकाली है। लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना है और अभी तक के इतिहास में पहली योजना है मध्य प्रदेश शासन ने जो चालू की है भारतीय जनता पार्टी ने। जो बहनें गृह उद्योग का काम करती हैं उन बहनों को लोन भी दिया जाएगा 2 लाख रुपए का। तो अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल के मंगलवारा मार्केट में। ये मार्केट भरा हुआ है चकाचौंध से। यहाँ पे गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति विराजी हुई है। मेरे पीछे यहाँ पे एक मस्जिद है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल जमा हुआ है। यहीं पे जमा हुआ है भोपाल का मशहूर पटिया। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से और इस बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति यहाँ का माहौल। तो चंदू जी, ये बताइए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं उन योजनाओं का क्या क्या आरंभ रहा है और कैसा वहाँ पे माहौल है, कैसा लोग इसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही है पहले तो ये बताइए। लाडली बहना योजना चल रही है, संबल योजना चल रही है। लाडली बहना योजना जो है इसमें क्या मिल रहा है लोगों को? लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना है और अभी तक के इतिहास में पहली योजना है मध्य प्रदेश शासन ने जो चालू की है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे यह है कि एक तो गरीब जो महिलाएं थी जिनको 1,000 रुपये की बहुत अधिक आवश्यकता रहती थी, कई घर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए 1,000 बहुत बड़ी चीज़ थी। आज उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अपना सामान वो खुद ले आती हैं, अपनी ज़रूरत का सामान जो भी लगता है उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, अभी एक और योजना चालू करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लाडली लक्ष्मी आवास योजना। अच्छा, उससे भी बहुत हद तक जो लोग रह गए थे जिनको आवास नहीं है जिनके पास अभी तक, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आगे चल के इस चीज़ का क्या होता था, पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि सरकार के द्वारा कोई मकान दिया जाता है। लोगों को ये रहता था कि हमारे सर के ऊपर छत नहीं है तो हम अनाथ हैं। आज सरकार ने उनको अनाथ रहने के लिए नहीं छोड़ा है, उनको अपने जीवन यापन करने के लिए हर चीज़ से संबल किया है, चाहे वो संबल हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी सरकार पैसा देती है। तो इस चीज़ से व्यक्ति अब अनाथ नहीं है, सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है, एक एक चीज़ का ध्यान दे रही है। पहले तो आवास योजना लोगों तक पहुंचती नहीं थी, लोगों को केवल कागज़ में रहता था कि आपको इंदिरा गांधी आवास अलाटमेंट हुआ, लेकिन दिखता नहीं था कभी। आज आप जिस जगह गाँव में जाइए, आप शहर में जाइए, आप जिस जगह पर भी जाएंगे वहाँ ऐप को बिल्डिंग लगी मतलब बनी हुई दिखेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब कहती है तो वो करती है और दिखाती है, मतलब दिखता है वो। जी, जी। आप बताइए आपको किन किन योजनाओं का आपके परिवार को और आपको लाभ मिल रहा है? हमारे परिवार को सबसे पहले तो जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का योजना चालू करी है, उस योजना के अंतर्गत मेरे परिवार में 2 लोगों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, 2 लोगों को लाभ मिल रहा है। पहली किस्त 1,000 की मिली, उसके बाद 1,250 की मिली, उसके बाद लाडली बहनाओं के जिन लोगों के फार्म जमा हुए थे जिनको योजनाएँ मिल रही हैं उनको 450 रुपये की टंकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। लाडली बहनों को 450 में परमानेंट टंकी, अच्छा, गैस की टंकी मिलेगी। उन बहनों को बिजनेस के लिए, जो बहनें गृह उद्योग का काम करती हैं उन बहनों को लोन भी दिया जाएगा 2 लाख रुपये का। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने निकाली हैं। माननीय मोदी जी ने अभी विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना निकाली है, जिसमें लोहार हैं, सुनार हैं, ऐसे बहुत सारे कला के जो काम करते हैं उनको लोन देने का, बिना गारंटी लोन। जिस बैंक में आप जाओगे वो अगर गारंटी मांगते हैं तो आप सीधे बोलिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी लगी है,